मारघड़ा का वर्णन पूर्ण मुल्ला चंद करते काय मारना प्रारंभ की जाती है। वो लिंगोड़ा बढ़ा सकते हैं, ट्रेबल बढ़ा सकते हैं। ओम 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 और बढ़ा सकते हैं, इतना कम बढ़ाना चाहिए, अच्छे से बढ़ा सकते हैं और ज्यादा। जानन्ते वंदिता अर्हन्ते जीवस परुवणं गोच्छं। अप्पप्प वुत्ति संचिय उग्गल पिंडं वियाण का वुत्ति सुजिन मयं निभणियो पुड़वी काया इयो छत्था। अपनी अपनी प्रवृत्ति से संचित, अपनी प्रवृत्ति से संचित अर्थात अपने योग द्वारा आश्रव को प्राप्त जो उद्गल पिंड है, योग से आहार वर्गणाएं भी आती है और कारण वर्गणाएं भी आती है, तो उसको हे शिष्य तुम काय जानो। काय उद्गल परमाणुओं का एक पिंड है और जिन मत में वह काय पृथ्वी काया ही हो छत्ता भणी हो। पृथ्वी काया छह प्रकार का कहा गया है, यानी शरीर छह प्रकार के, पांच स्थावर और एक त्रस। जहां भार वह पुरिसो वही भयम गिण्यून का उड़ियम हे मेव वही जीवो कम भरम काय का उड़ियम। जिस प्रकार बोझा ढोने वाला मनुष्य कावड़ को लेकर उसके ऊपर भार को ढोता है, जैसे डोली ले जाने वाले लोग डोली को लेकर उस पर मनुष्य के भार को ढोते हैं, उसी प्रकार संसारी प्राणी शरीर रूपी डोली में कर्मों का भार ढोता है। क्या उदाहरण दिया, कितना सुंदर उदाहरण। पुडवी सक्कर आबा लुयाय उबले सिलाय छत्तीसा पुडवी माया हो जीवा मिति ठाजण वरिंदे। पृथ्वी शर्करा वालुका उपल शिला आदि 36 जो भेद है पृथ्वी मय, वो जिनेंद्र भगवान ने पृथ्वी का एक जीव कहे हैं। 36 प्रकार की पृथ्वी को जो जीव अपना शरीर बनाकर जीते हैं वो पृथ्वी कायिक जीव होता, यानी चाहे वो मिट्टी हो या पत्थर हो कुछ भी हो वही उनका शरीर होता है, उन जीवों का पृथ्वी कायिक जीव है। और उन पत्थरों को तोड़ फोड़ दो या फिर मिट्टी के ऊपर अगर कोई वाहन वगैरह निकल जाए तो वो कुछ काल पर्यंत अचित्त हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। अब जल का ही जीव, 36 प्रकार की पृथ्वी है, इनका वर्णन मूलाचार ग्रंथ में, मूलाचार प्रदीप में और ऐसे अन्य आचार ग्रंथों में उपलब्ध होता है। धवला की पहली पुस्तक, धवला में भी पहली पुस्तक और इसमें घुमटसार में भी होना चाहिए। तो ये 36 भेद है क्या? नहीं है।
फिर जल का एक जीवों के भेद बताए, ओसाय हिमीय महिया हरदण शुद्धोदय धनुदय घणुदय घणुदय ओसाय हिमीय महिया हरदण शुद्धोदय घणुदय एदेदु आउकाया जीवा जिन शासने दिठा। जिन शासन में ये सारे अपकायिक जीव अर्थात जलकायिक जीव निर्दिष्ट हैं, जो ओस को अपना शरीर बना करके जी रहे हैं, जो हिमी माने बर्फ को अपना शरीर बना करके जी रहे हैं, जो मिहिय अर्थात कोहरा वो बनता है ना, कोहरा होता है उसको क्या बोलते हैं, धुमस, सर्दियों के समय एकदम सब जगह वो कुछ दिखना बंद हो जाता है, ठंड फॉग बोलते हैं, धुंध धुंध बोलते हैं हिंदी में, धुंध बोलते हैं गुजराती में, धुमस बोलते हैं। कोहरा शब्द भी है, ये उर्दू में होगा कोहरा शब्द उर्दू में, तो वो भी उसको शरीर बना करके जीने वाले जीव जलकायिक जीव। और हर दणु हरे तृण के ऊपर जो बूंदे रहती है पानी की, पत्तों पर और तिनकों पर घास वगैरह पर, वो भी जलकायिक है। मतलब एक बूंद में एक जीव ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पांच स्थावरों में से चार स्थावरों की अवगाहना अंगुल के असंख्यात के भाग पर, और वनस्पति की अवगाहना अंगुल के असंख्यात के भाग से लेकर 1000 योजन तक, बाकी चार स्थावरों की अवगाहना कम है। तो एक बूंद में असंख्यात जीव हो जाते ऐसा, फिर उसके आश्रित रहने वाले जो दूसरे त्रस्त जीव हैं वो भिन्न है, बैक्टीरिया वगैरह। ये तो जल को ही अपना शरीर बनाकर जीने वाले जीव जलकायिक जीव। फिर जो शुद्धोदक है, शुद्धोदक का अर्थ क्या होता है कि रत्नों से उत्पन्न होने वाला जल, जैसे चंद्रकांत मणि है, कौन से मंदिर में है, ईरवत्तूरु नाम की एक जगह है कर्नाटक में, वहां पर एक चंद्रकांत मणि के सफेद भगवान है। अगर वहां चांदनी पड़ती है चंद्रकांत मणि पर, तो उसमें से पानी झरना शुरू हो जाता है, वो पानी शुद्धोदक है और वो सचित्र है जल का एक जीवों से युक्त। और घणोदय और घन का जो उदक है, बादल का जो पानी है, वो भी सचित्र है, वो भी जल का एक जीव से। और ऐसे और भी बहुत सारे जल के उदाहरण हो सकते हैं, सरोवर का जल है, बावड़ी का जल है, ये सब जल का एक जीव वाले जल है। फिर जो चट्टानों से टकरा कर आता है, बहता हुआ आता है वेग से, वो आलोडन के कारण, उतनी हलचली के कारण जल का एक जीवों से रहित हो जाता, तो वो जल काय होता है, जल कायिक नहीं होता। हाँ वो तो फिर अंतर एक मुहूर्त तक अगर वो पड़ा रहे तो उसमें वापस कोई जल का एक जीव आकर के उसमें उसको सचित्त बना देगा। तत्वार्थ वृत्ति में उल्लेख है कि वो जल जो छना हुआ है वो भी निश्चेत है, अचेत है, चेतन नहीं, निर्जीव है। ठीक है, प्लास्टिक जलने की गंदा फिर अग्नि का एक तो जलने की गंदा है, और अग्नि का एक कवर लेना भी, इंगाल जाल अच्छी मुम्मुर सुधागणीय अगणीय अन्ने वमाई ते उक्काई का ते उक्काया समुदिठा।
अंगार, ज्वाला, अर्ची यानी अग्नि की, किरण, जो अर्ची यानी जो अग्नि से निकले हुए किरण है वो भी अग्नि का एक जीव है, और स्फुलिंग जो है वो मुरमुर को क्या है? नहीं, चिंगारी। और चिंगारी स्पार्कल, स्पार्कल का अर्थ चमक होता है, स्पार्क का अर्थ अलग होता है, मुरमुर निर्धूम और ऊपर राख से ढकी हुई अग्नि, फिर शुद्धाग्नि जो है वो सूर्यकांत मणि नाम का एक रत्न है, उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो उसमें से अंगार निकलती है, जैसे चंद्रकांत मणि में चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो पानी निकलता, सूर्यकांत मणि में सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसमें चिंगारी निकलती है, तो वो अग्नि है। और ये शुद्ध अग्नि है, फिर बिजली की जो अग्नि है वो भी है, बिजली जो आकाश में चमक रही है, और धुएं वाली अग्नि वगैरह जो होती है आदि आदि, सब तेजस का एक जीव कहे गए, वो अग्नि उनका शरीर है उन जीवों का, ऐसे नाम कर्म का उनका उदय है। फिर वायु का एक जीव के भेद कौन से है? इलेक्ट्रिसिटी में अग्नि होती है, मतलब अपन जितनी बार स्क्रीन ऑन ऑफ करते हैं टीवी की या मोबाइल की, तो अग्नि का एक जीव हिंसा होती है। श्वेतांबर साधु तो मानते हैं, एक उनकी पुस्तक है हमारे पास, श्वेतांबर साधु मानते हैं कि ये जो बिजली आ रही है, करंट आ रहा है, वो भी अग्नि का एक जीव है, लेकिन ऐसा दिगंबर आचार्य में कुछ आचार्य मानते हैं कुछ नहीं मानते। आचार्य कनकनंदी महाराज जी जो वैज्ञानिक आचार्य कहलाते हैं, उनका कहना है कि जो बल्ब होता है वो निर्वात होता है अंदर, और उसमें जो टंगस्टन मेटल की जो फिलामेंट है वो गर्म होकर के प्रकाश उत्पन्न करती है, तो जहां वायु ही नहीं है वहां ये अग्नि का एक जीव कैसे हो सकता है, वो सांस कैसे लेगा जब हवा ही नहीं है वहां पर, तो वो मानते नहीं उसको कि वो जीव है, ये जो बिजली इसमें आ रही है उसको वो जीव नहीं मानते। फिर ये अप्लायंसेस है, जैसे वो बिजली का चूल्हा होता है गर्म हो जाता है लाल हो जाता है, तब उसमें अग्नि का एक जीव की योनि बन सकती है, पर बिजली अपने आप में अग्नि का एक है ये बात, अगर बिजली अग्नि का एक है तो वायर में कैसे उसका दमन होता है, ये प्रश्न आएगा ना, और अग्नि का स्वभाव उष्ण है, वायर गर्म क्यों नहीं होता, बिजली अगर अग्नि का एक जीव है तो वो पावर हाउस से लेकर पावर स्टेशन से लेकर पावर हाउस और फिर सब जगह जाती है, कहीं गर्मी नहीं होती। अरे बल्ब की बात ही नहीं कर रहे हम, बल्ब तो उसके संरचना से गर्म हो रहा है, उसके अंदर जो विद्युत प्रवाहित हो रही है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि वो कैसे जीव होगी, विद्युत गर्म कहाँ होती है, और वो जो बिजली वहां से गिरती है आकाश से वो भरपूर गर्म होती है, पूरे पेड़ों के पेड़ जल जाते हैं उससे, वो तो साक्षात अग्नि स्वरूप होती है, वो किसी मनुष्य पर गिर जाए तो राख हो जाता है। शॉर्ट सर्किट से आग कैसे लगती है? शॉर्ट कट सर्किट से आग ऐसे लगती है कि वहां पर वैसा योनि स्थान बन जाता है अग्नि के योग्य, पर एक प्रश्न ये है ना, आप इस पर तो उत्तर दीजिए कि जो विद्युत इतने किलोमीटर दूर से आ रही है, मध्य प्रदेश में कोरबा में पावर स्टेशन है बिजली का, और कोरबा से भोपाल तक, ये छत्तीसगढ़ में है कोरबा, और भोपाल तक के जा रही है बिजली, रास्ते में कुछ भी गर्म नहीं हो रहा कहीं भी, तो अग्नि का स्वभाव क्या है न्याय ग्रंथों में? उष्णता, तो फिर इसमें लक्षण ही नहीं बन रहा उसमें उष्णता का, लक्षण के बिना लक्ष्य कैसे साधित होगा, ये प्रश्न है ना। आप वो पुस्तक भी देखिएगा जो श्वेतांबर साधु की पुस्तक है बिजली बिजली वाली, वो भी देखिए, उसको अग्नि का एक माना है।
मूलाचार में भी लिखा है कि जो विद्युत होती है वो अग्नि का ही, पर कौन सी विद्युत थी? ये विद्युत तो थी नहीं मूलाचार के समय वायर वाली। तो उन्होंने जो विद्युत लिखा है गाथा में वो आकाश में बादलों में चमकने वाली विद्युत को लिखा है, और अभी अपन इसमें कैसे लगा सकते हैं उसको? ये तो एक इलेक्ट्रिसिटी, एक एनर्जी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फिर दूसरे टाइप की इलेक्ट्रिसिटी, दो प्रकार की होती है ना, एक डीसी और एक एसी, दो प्रकार के करंट्स होते हैं। तो ये तो वहां के दोनों के पोटेंशियल्स अलग अलग हो जाते हैं, तो यहाँ से वहां वो फ्लो का होकर के चली जाती है बिजली। मतलब जो पहले विद्युत उस विद्युत की लता है, ये उसकी विद्युत थोड़ी हो जाती है। तो सामान्य वायु, अब वायु का एक वर्णन, सामान्य वायु, फिर ऊर्ध्व भ्रमण ऐसे ऊपर की ओर जाने वाली वायु, फिर उत्कलिका नीचे की ओर आने वाली वायु, फिर तिरछे बहने वाली वायु, गोल घूमने वाली वायु, फिर गूंजने वाली वायु, फिर महावात जिससे वृक्ष आदि गिर जाते हैं वो, फिर घनवात और तनुवात इत्यादि वायु का एक जीव जिन शासन में निदिट्ठा कहे गए हैं। वनस्पति काय का थोड़ा विस्तार अधिक है, तो आज अपन यही तक रखते हैं। चार स्थावरों का अच्छे से अपन ध्यान में वो बना लो कि ये धातु है चारों, धातु का अर्थ होता है दधाती इति धातु, ये इसमें से जीव निकल जाए तो फिर से ये जीव को धारण कर लेते हैं नए जीवों। वनस्पति में वो नहीं होता, अगर वनस्पति से जीव निकल गया तो दोबारा उसमें जीव उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन ये चार जो स्थावर हैं ये शरीर छोड़कर जोड़े हुए शरीर में दूसरे जीव उसमें उत्पन्न हो सकते हैं ऐसा। जैनम जयतु शास्त्र।